लो शादी में कैसे कैसे जाती है हमारे पास नहीं। अरे अल्लाह की बंदी, तू शादियों में कपड़े दिखाने के लिए जा रही है? नया कपड़ा तो अपने शौहर के सामने पहन, शौहर के सामने पहन रही शादी में। मैंने कई मर्तबा जलसों में कहा, शादियों में जाती है तो घर में रहेंगी भंगर बनकर, किचन में घुसी हैं, बर्तन मांज रही हैं। शौहर आया, देखा सलाम, क्या कंजड़िया बनी हुई है, घर में रहेंगी कंजड़िया बनकर, भंगर बनकर, शादी में जाएंगी हेमा मालिनी की अम्मा बनकर, लिपस्टिक, बार बार शीशा देखेंगे, एक बाल भी बिगड़ ना जाए। सुबह उठेंगी तो शीशा देखते हुए, शाम को सोएंगी तो शीशा देखते हुए। वो पाकिस्तान का उमर शरीफ है, बहुत बड़ा जोकर हंसाता है, कहता कि शादियों में जितनी औरतें जहाँ आए हैं, एक एक बाल्टी सबके चेहरे पर डाल दो, कसम खुदा कि इनके बच्चे भी नहीं पहचान पाएंगे कि मेरी अम्मा है कौन। ये बस पेंटिंग का काम हो रहा है, पेंटिंग हो रही है चेहरों पर, ये काम। मेरी बहनों, तुम्हें सबसे बड़ा हुस्न का जेवर इमाम कायनात ने दिया, वुजू। वुजू बनाओ, नमाज पढ़ो, अल्लाह की कसम वुजू से बेहतर तुम्हारे लिए कोई जेवर नहीं है। इस वुजू को बनाओ, नमाज पढ़ो और फिर देखो इसी वुजू का जेवर पहनकर हजरत फातिमा ने जिंदगी गुजारी, तो ऐसी जिंदगी गुजारी कि जब इंतकाल का वक्त आया तो कहने लगे, मेरे शौहर अली, मेरे इंतकाल के बाद मेरे जनाजे को रात में ले जाना, इशा के बाद दफनाना, दिन में मत दफनाना। शौहर ने पूछा, अली ने, ऐसा क्यों? फरमाती है, अरे मेरे शौहर, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जिस्म पर, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, कोई गैर मर्द मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन को भी देखे। ये इमाम कायनात की तालीम थी, ये इमाम कायनात की तालीम का असर था। मेरे प्यारे साथियों, आज दुनिया में क्या हो रहा है, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है, आज औरतों को शादियों में, ब्याह में और फिर कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में इनकी पोशाक तो देखो, और लोग हुकूक आजादी निस्वा का नारा लगा रहे हैं, आजादी आजादी आजादी। भेड़ियों ने एक मरतबा बकरियों के रेबड़ में जाने के बाद कहा कि तुम अपने मालिक से आजादी क्यों नहीं मांगती हो? बकरियों को भेड़िये की बात पसंद आई, कहने लगी अपने मालिक से कि मुझे आजाद करो। मालिक ने कहा, नहीं, मैं आजाद नहीं कर सकता। बकरियों ने प्लानिंग की और भूख हड़ताल पर बैठ गई, अपने मालिक का चारा और खाना मना कर दिया, हमें आजादी चाहिए, हमें आजादी चाहिए। एक बूढ़ी बकरी उनके पास आती है और कहती है, आए मेरी बेटियों, तुम आजादी हासिल ना करो, दुनिया बड़ी शातिर है, तुम्हारा मालिक तुम्हें यहाँ जितनी भी आधी रोटी एक चारा, एक पोटली दो पोटली जो चारा तुम्हें खिला रहा है, इसी पर इक्तिफा करो, यहाँ तुम्हें सुकून है। बकरियां बोली, अम्मा तुम तो बुढ़ी हो चुकी हो, तुमने तो अपनी जिंदगी जी ली है, अब हमें अपनी जिंदगी जीने दो। उन्होंने मालिक के खिलाफ बगावत बुलंद कर दी और सारी बकरियों ने आपस में तय कर लिया कि हम चारा नहीं खाएंगे, हम रोटी नहीं खाएंगे। मालिक को मजबूर होकर बकरियों को छोड़ना पड़ा, उस मालिक ने मजबूर होकर उनकी बगावत के तेवर देखकर बकरियों को छोड़ दिया और बकरियां छलांग लगाते हुए बियाबान जंगल में चली गई। अब वो वहां के लहलाती हुई खेत देखती हैं, हरी भरी सब्जी देखती हैं, इस पहाड़ी पे चढ़ती हैं, इधर आ रही हैं, उधर आ रही हैं, आजादी मिल गई, बड़ी खुश थी कि अब हमें आजादी मिल गई। वही पहाड़ के दामन में भेड़िए छिपे हुए थे, इन भेड़ियों ने देखा ये बकरियां आजाद हो गई, उन भेड़ियों ने इन बकरियों पर हमला कर दिया और इनको फाड़ कर खा गए। आजादी चाह रही थी, आजादी मिली, भेड़ियों ही ने बकरियों को साया था कि तुम अपना हक लो, आजादी हासिल करो, और यही भेड़िए खा गए हैं। मेरे भाइयों, मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। मीडिया वालों, नोट करो और दो और शाये करो और मेरे इशारे को पब्लिक के दरमियान फैलाओ। मेरा इशारा ये, आज जो ऊपर तक बैठे हुए औरतों की आजादी का नारा लगा रहे हैं, औरतों की आजादी, औरतों की आजादी, ये हकीकत में वो भेड़िए जो औरतों की आजादी नहीं बल्कि आजादी का नारा देकर औरतों के जिस्मों से खेलना चाहते हैं, उनके जिस्मों, उनकी इज्जतों को नोचना चाहते हैं, ये भेड़िए जो उनकी आजादी का नारा लगा रहे हैं। इस्लाम ने औरत को एक मकाम दिया है, एक मर्तबा दिया है, उसको चार दीवारी में कैद नहीं किया बल्कि किले के अंदर कैद कर दिया है। केले जब तक छिलके के अंदर है
जब केले का छिलका हट जाता है तो केले के अंदर का मेवा और मग्ज फिर महफूज नहीं रहता, उसको कोई ना कोई खा जाता है। केला उस वक्त महफूज है जब वो छिलके के अंदर है, जब छिलका उतरा तो महफूज नहीं। औरत उस वक्त तक महफूज है जब वो पर्दे के अंदर है, जब पर्दा ही नहीं रहा तो औरत महफूज ही नहीं रही। मेरे प्यारे साथियों, और कैसी मिसालें तुम्हें दी जाए, कैसे समझाया जाए, किस तरीके से बताया जाए। अपनी माँ, अपनी बहन और अपनी बेटियों को पर्दा कराओ। पर्दा ही असल में उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत है, मजबूत किला है। मेरे भाइयों, हवाई जहाज का सफर करना भी के बाद भी हम 24 घंटे में आपके यहाँ पहुँचे तो एक माना रखता है। इसलिए अब हम ज़्यादा आपसे रूबरू नहीं हो पाएंगे, बस इतनी सी बातों पर मैं इक्तफा करता हुआ आपसे रुख्सत हो रहा हूँ। मेरे बाद भी हो सकता है कोई साहब तकरीर करें या मदरसे का ताबुन या कब्रस्तान का ताबुन आपसे हासिल करें, तो मैं खुदा दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि